बाबा बाबा लखन बाबा बाबा लखन हाँ अच्छा 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 घूमन बलारी अच्छा घूमना चुकी ठीक ठीक पिंड रिछाड़ा तहसील पसरूर का पिंड है अच्छा तहसील दसके तहसील दसके जिला सियालकोट अज बाबा जी 76 साल बाद सोकड़ा हो गया मां माता आए तो उन्होंने दिल खुश होया ठीक ठीक तला दिखाईए हां जी चलो मैसी चल दे मिलर 260 ठीक है ते 85 है साडा लो जी पिंड फरोज के नागरा तहसील पसरूर जिला सियालकोट ने याद आते जो पिंडो निकले हाँ अच्छा तो संत जथा पै गया है हाँ जी इतने जथा है करार वाले अच्छा हिंदुआ का हाँ हाँ सानू कालू खां शरीफ के सारे साडे बंदे नाल इतने बाबे जी को सन छड़ के गए अच्छा अच्छा इतने छड़ के गए हाँ फिर गांव को तुम एनू गए हो एनू गए हो अही गए हरिपुर साहिबा हरिपुर साहिबा बाबे गुल्लू शाह दी मंडी सी लगदी सी ना जी बाबे गुल्लू शाह दी पैली बाबा जी 100-150 किला पैली है पैली है ते मेरे ख्याल के 15-20 किलियां दे विच इंदी आबाद पई है ग्रोंडा बणी आ रहे कबूतर मारे सा अच्छा 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 ठीक है जी बस जी और कोई गल बात चलो ठीक अच्छा बाबा जी असी पहुंचे हाँ तुहाडी संगत दे विच पिंड रिछाड़ा हाँ जी रिछाड़ा और दूसरा जिहड़ा इहदा नाम है रिछाड़ा घूमना दा भी घूमना दा इस खेतर दा एक वड्डा पिंड कह लो उस तों बाद जुदाला ते रिछाड़ा मतलब इस इलाके दे वड्डे पिंड सन हाँ ते की यादां ने तुहाडियां इस पिंड दे नाल जुड़ियां होईयां सन इहदियां जगह ते एड्डी यारी है ना इह हाँ हाँ मैं निक्का जिहा अच्छा ते मैनूं होया सी सोकड़ा अच्छा जी ते मेरी मां इत्थे लिया के आउंदी सी ऐतवार दे ऐतवार अच्छा जी ठीक हो गया ठीक हो गया एडी यारी जगह है अच्छा ते मैं ते हुण आया वा 76 सालां बाद 76 सालां बाद हां हां ठीक उदों किन्नी कु उम्र सी अपनी जदों तुसी तुहानू सोकड़ा आया उदों मैं छोटा ही हां छोटे ही सा ठीक मां साडी गल्ल करदी हुंदी सी तुहानू संभाल नहीं आया लेकिन मां दीआं गल्लां यादां ने उहनां दीआं इथो सोकड़ा हर जांदा सी न्याणियां दा अच्छा अच्छा जिहदे घर न्याणा नहीं हुंदा ओह वी सुख दा ही न्याणा हो जांदा अच्छा अच्छा बुलाओ हां किसे किसे नूं इदां दी जगह है अच्छा अच्छा ठीक बाबा 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 लखन बड़ा यारा पीर है ज़्यादा पीर ठीक है और अज दे दौर च वी बाबा जी तुहानूं मैं दसदा जावां इत्थे ना तकरीबन हर इतवार नूं हर संडे नूं इत्थे एक मेला ही लगा ऐतवार मेला लगता है हां हर इत्थे हुण हर इतवार नूं मेला लगता है हर हफ्ते और इत्थों दे इत्थे मैं गल कीती सी इक बजुर्गां नाल उहनां नूं सवाल रखिया सी उहनां नूं मैं पुछिया सी ओह दसदे सन कि इत्थे लोक फैसलाबाद कराची तक दुनिया नहा के जांदी है बल्कि इस तलाब दा पानी बकायदा लैबोरेटरी दे विच टेस्ट वी होया कि इहनूं चैक करिए इहदे विच किहड़ी शफा आ सी जिहनूं सोकड़ा जां जिहनूं कोड होईए उह आराम आ जांदा ठीक हो जांदा हांजी ते चलो खैर तुसीं सलाम करो फिर अपना बाबा जी नूं
हाथ च लवो हाथ च लवो तुसी हाथ च ओथे तुसी ना पेश कर दे उस जगह ते हां जी हां जी ओथे चढ़ा दे तुसी फुला दी माला। अच्छा मैं तुहाड़े नाल सवाल किया सी कि जिहड़े रछाड़े दे सरदार घूमन ने तुसी जानदे हो पिछे जाके किथे बैठे किहड़े पिंडां च कोई का दुक्का को ना चेते रछाड़े वालों दा नहीं पता किथे बैठे। अच्छा इन्हां दा नहीं पता ठीक चलो चलो आओ जी ओ मल्ली एक साडे को बैठा है उसने ओदा पता। हां हां ठीक है ठीक है जुत्ती इत्थे लाई दी है जी जुत्ती इत्थे। अच्छा जुत्ती इत्थे लाणी इत्थे नहीं कोई रहिंदा इत्थे है ने लेकिन मौजूद नहीं है इत्थे भी सेवादार है ने सामना घर उन्हां दा ही भाई नूं पुछया कहंदे ने किते गए ने। हां हां जी हां जी इत्थे ही मत्था टेकना। हां नहीं इत्थे दरवाजा हां जी हां जी ए ना ऐप रखया फुल शुल है इत्थे इत्थे तुझ दरवाजा बंद कर दिंदे हां जी ए गल्ला है वाला गल्ला हां जी हां जी आ गल्ला जी हां जी चलो की ना सी ना दा बाबा बाबा लखन बाबा बाबा लखन। हाँ अच्छा 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 घूमन बलारी अच्छा घूमना चुसी ठीक ठीक पिंड रछाड़ा। हाँ तहसील पसरूर का पिंड है। अच्छा तहसील दसके तहसील दसके जिला सियालकोट। अज बाबा जी 76 साल बाद तुहानू इत्थे आके किवें दा लग रहा है भी दसो सानू। मैं हां उदां ही लगदा जिदा किते पे पुरानी याद याद आ ही जाती बड़ा सोहना लगा जी जी बड़ी दुनिया मानती ठीक है ठीक है। और तुसी बचपन च जो सुखना करे तो पूरी हो जाती और तुहानू भी एक दफा सोकड़ा हो गया तुहाडी तुसी मां माता नाल आए तो उन्होंने तुहानू इत्थे नवाले बहुत दिल खुश होया। ठीक ठीक आओ हुण तुहानू तलाब दिखाईए। हाँ जी चलो उदो भी हाँ जी नाम बुजुर्ग दसदे सन के दुआले बोड़ा बड़िया सन ए दुआले ओ वेखा जी हले भी रुख कै बोड़ दा 1947 तू पहले दा ही है ते चार च फिर इना कह लो कवाड़ दी वाड़ इस तला दी ते बोड़ा दे रुख बड़े सन। हां दसिया ठीक है लो जी ये भी एक बड़ा हिस्टोरिकल पिंड जिले सियालकोट का रछाड़ा 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 रिछा का वाड़ा। हाँ रिछा के वाड़े तू विगड़ता विगड़ता रछाड़ा बन गया ठीक है इसकी वजह तस्मी है इस पिंड की ना ठीक हो गया जी बाबा 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 लखन बाबा लखन शाह है जी उन्हें ठीक है जी। इतने भी एक तस्वीर हुई है थोड़ी वो सामने ना फ्रेंड से लो जी अपना गिल साहब तुहाडे बजुर्गों के पिंड यानी तुहाडी माता जी के पिंड असी पहुँच गए जी। मैं तुहानू इस वेले फिरोज के नागरा का व्यू दिखा रहा ठीक है जी और पिंड का पुराना छप्पड़ नानका पिंड जी और साढ़े नाल बाबा जी सरदार निशान सिंह घूमन पहुँच गए जी और गलबात करने पुछने किसने अपना सारी गलबात रस्ता
ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਗ ਰਹਾ नानका पिंड अच्छा नानका पिंड जो दादका पिंड है ना वो किला शोभा सिंह तो सड़क लख दी किला शोभा सिंह जिन्हों अजकल किले अहमदाबाद भी कहा जाता पसरूट नारवा रोड आता उतो सड़क कहती गिल कलां उन्होंने दादका पिंड अपना गिल साहब तुहानू पता ही है मैं तकरीबन कोई ढाई तीन साल पहले इस पिंड आया भी सा सारी डाकूमेंट्री बना के गया और इतने ही बुजुर्गों के साथ गलबात की थी बहुत हो गया हाँ जी हाँ जी सरगोदे भी उन्होंने लिंक है ऐसी कोई अच्छा तो दादा बू सन कमाल के बंदे सन ते ऐ जी जनाब मैं इस वेले नागरा बैल्ट दे विच मौजूद हाँ फिरोज के नागरा इस खेत्र का बड़ा मशहूर पिंड डॉक्टर मोहम्मद अवैस जफर नागरा साहब MBBS इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर हाउस चार मीनार जना अस्पताल लाहौर नागरा हाउस ठीक है जी ते ऐ जनाब तुहाडा सरदार सुखविंदर सिंह गिल साहब साढ़े बड़े ही मन प्यारे उन्हां दी माता जी का पिंड सी जी बचपन चो उन्होंने इतों मूव किया और मेरे दादा अबू हैं हाजी सदीक नागरा जिन्होंने मैं ख्याल जिन्हों का इंटरव्यू तुम लिया है हाँ जी हाँ जी हाँ वो तो तकरीबन चार साल हो गए सोच वो 18 मुहर्रम में सोच सही सही ठीक ए जी सड़क है सानू गां अही ए सड़क तक अगो मतलब छाड़े तक भी हाँ जी है कोल्डी ए फिर इधर बावे दी कोल्डी अगला पिंड फिरोज के नागरा हां अगला पिंड इधरों फिर अगे उन्होंने गुजरा ने डेरा हाँ जी हाँ जी ये कोट गुलाम मोहम्मद अगे रछाड़ा गोवे पंज इधरों गां के सी हुन सीधा बावे दी कोल्डी भी अगर जुदाले नु जाने ते विचों भी राज जुदाला कमाला इतने पुराना बंदा तो ये रखन आई सी कोई नहीं रखन आई हाँ जी हाँ जी साढ़े बुजुर्ग हाजी और हाजी सदीक अच्छा हाँ बाबा जी मोहम्मद सदीक ओही हाँ जी मतलब मैं इंटरव्यू तो हां आहो आहो मैं भी आया हां एक बार हाँ जी हाँ जी हाँ एक बाबा फकीर मोहम्मद अपना गुजर गए तरखान सी अच्छा अच्छा एक अब्दुल तरखान सी दूजे तो जुड़े आए ने इंडिया चो आए ने मतलब पिछे जी कोई लोग आए भी सन बहरू मेरा ख्याल इतने पता लग गया नहीं कनेडा तो कितों आए सन जो सरदार लोग नागरे रेंदे सन हां पिंड सुन के गए सन अपना उधर मराद लंबर सी ठीक है भरा रशीद एक बाबा सूबा हुंदा सी ओह भी बडेरा माहौल हो गए सारे सारे काफी लोग पुराने सन उस हूँ मेरा मारे कोई वो जानते हो तो उन्होंने पता लगा कि फलाने फलाने वजह जानने सारिया गलां बातें कीतियां फिर मैं जिन्हां दे कहन ते आया ना फिर उन्होंने खूह तक भी गया हाँ फिर उन्होंने घर तक भी मैं शाम वाली गली साडे बुजुर्गां दा तुहां इंटरव्यू लिया शेरो शारी तुहां नहीं सुनी हाँ जी सुनी मैनूं याद है जी बहुत गप कह लो कि दाने बंदे सन जी उन्होंने क्या बात सी एक बाबा असलम हुंदा सी गुरदौर काफी चुबारे ने तुहाडे बुजुर्गां दे ना इत्थे सारे चुबारे ये भी पुरानियां रहिशां तुहाडियां है ने पिंड च पुराने निशान आंदे ने है ने जेहड़े आहो चुबारे बड़े बड़े वड्डे डेरा साढ़े कोल पैली है साढ़े कोल ओ दा डेरे दा नाम है माता रानी ए भी
छोटा हो गया छप्पड़ बड़ा वड्डा छप्पड़ पुराने बंदे दुनिया बट कमाले मकैना के ट्रैक्टर किले चो जे चंगी लगे निकलनी किन्ने मन निकल जांदी चंगी जड़ी चंगी जड़ी भी मैं गल कर सकना मैं इस वे फिरोज के नागरा ज्यादा जरा रकबा पिंड फरोज के नागरा तहसील पसरूर जिला सियालकोट ठीक है तो बावे की कोल्डी जरा भी तहसील पसरूर ची अच्छा अच्छा पिछे ही रिछाड़ा पिंड वेख के आया ना डस्के जी मैं पूछा लो जी भाई की रिक्वेस्ट ही कि बाबे रखा लिया जाए जी हेलो जी असी मौजूद हाँ कोल्ली बाबा फकीर चंद असल जरा कागजी ना है तहसील पसरूर तो जिले सियालकोट का बड़ा मशहूर पिंड और दूसरा इनू बावे की कोल्ली भी कहा जाता कोल्ली बाबा भी असल जो फकीर चंद बाबा से ना से ना मतलब कि पिंड की बुनियाद रखी गई। हाँ जी बाबा जी हाँ जी और दूसरा तुम इतने लियान का मकसद है वे कि जिस तरह अपने इंटरव्यू के गल की यार जब असी कमाले तो निकले हाँ क्योंकि बड़ियाने का जो कैंप लगा सी जत्था से मतलब निकल गया
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕੋਲੀ ਬਾਵੇ ਤੱਕ ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੱਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਬਾਵੇ ਦੀ ਕੋਲੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਧਾਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਬਾਵੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਵੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਾਟ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਵੇ ਦੀ ਕੋਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਨੂੰ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਡਸਕਾ ਜੋੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ? ਯਾਦ ਆਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਥਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਅੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋ, ਐਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਰੀਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਹਰੀਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੈਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 100-150 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਹੈ ਪੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦ ਪਈ ਹੈ, ਗਰੋਂਡਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਵੈਸੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।